अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है ठीक होंगे। काफ़ी दिनों से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, उसकी बहुत सारी वजूहत थी। कुछ ये कि बहुत ज़्यादा बिजी था और कुछ सुस्ती भी थी, तो मैंने सोचा कि अच्छा मौका है क्योंकि अभी हमने ट्रिप प्लान करा हुआ है। ईरान का हमारा ट्रिप है, हम जा रहे हैं बाय रोड ईरान तक और आपको वर्चुअल टूर करवाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताएंगे कि ईरान में किस किस सिटीज़ में हम जाएंगे, क्या क्या वहाँ पे करेंगे, सारी इन्जॉयमेंट आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे हम इंशाल्लाह। बस निकलने वाले हैं, गाड़ी कॉल करिए, गाड़ी आने वाली है। अब okay. आप एक्साइटेड हैं? यस। आदि आप? मैं भी एक्साइटेड हूं। और गाइस, आपको भी अगर ईरान जाना है तो कमेंट में बता, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। तो गाइस, यहां पर हम पहुंच चुके हैं, ये हमारी बस खड़ी हुई है, इस बस में हम जाएंगे, आपको बस का विजिट भी करवाऊंगा यहां से और इंशाल्लाह ताला इसमें हम ट्रैवल करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे शाहबहार तक इस बाय बस, देन फिर वहाँ से ईरान की ट्रांसपोर्ट करेंगे, अलग कंपनी होगी, अलग बस होगी। अभी फिलहाल ये हमारी बस खड़ी भी है और इंशाल्लाह ताला आपको अभी बस का टूर करवाएंगे कि बस कैसी है। तो गाइस, अभी हम आ गए यहाँ पे करवाने हुसैन के ऑफिस में, जिनके साथ हम इंशाल्लाह ताला ईरान के लिए रवाना हो रहे हैं। और यहाँ मेरे साथ खड़े हुए मुताहिर भाई, उनसे हम थोड़ा शेड्यूल पूछते हैं कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मुताहिर भाई। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता दें कि जो लोग बाय रोड ईरान जाना चाहते हैं, ज़ियारतों पे जाना चाहते हैं या ट्रैवल ऐसे टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, तो क्या गाइडलाइंस है कराची से हम निकले? बाय रोड सफ़र खुला हुआ है, यहाँ से तकरीबन 12 घंटे का सफ़र है। चाबहार से हम जाते हैं या असल में पहले ये जो ज़्यादा रास्ता था कोयटा वाले, बड़ा ख़तरनाक रास्ता था। अब ये रास्ता ग्वालियर वाला बड़ा अच्छा बना है, लेकिन ये है कि जहर सी बात है, बाय रोड है, बाय रोड के अंदर आपको पता है कि सफरियात मुश्किल तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जो कि ऐसा देखने, ज्यारत करने और ट्रैवलिंग कर सके वो बाय रोड जरूर करें। जो बाय रोड में लुत्फ है, मुझे 8 साल हो गए काम करते थे, जो मुझे बाय रोड में लुत्फ है वो मुझे बायर में आज तक मिला। देखिए जी, कैप्टन की सीट। सो गाइस, ये देखिए हमारी बस, जिस बस में हम कराची से जा रहे हैं चाबहार तक, जो ईरान का बॉर्डर है, पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर, वहाँ तक जा रही है हमारी बस है, बड़ी वीआईपी बस है। कूलिंग बहुत अच्छी हो रही है इस बस के अंदर। एक एडवाइस देना चाहूँगा, जब भी आप इस पर सफ़र करें तो अपने साथ एक चादर ज़रूर रखिएगा ताकि सर्दी लगे तो आप उनको, बच्चों को ओढ़ा सकें। तो भाई, हम 9 बजे निकले हैं अलासर स्क्वाड से, अभी ऑन द वे हैं और अबान ने यहाँ पर अपनी पूरी सेटिंग डाल ली है, सोने की तैयारी कर रहे हैं और अभी बस पर पहुँचे हैं। सामने तकरीबन सारे ही लोग बस के सो चुके हैं, यहाँ पे अबान भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। हम निकले थे 9 बजे सोहरावगढ़ से और अभी बज रहे हैं रात के 12 और हम पहुँचे हैं विंदर में। विंदर में लास्ट हमारे स्टॉप है, वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, देन उसके बाद हमारी बस रुकेगी सुबह अर्ली मॉर्निंग डायरेक्ट चाबहार के ऊपर। हाँ भाई आदि, बस में थके तो नहीं है बैठे बैठे? नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं पता हम लोग ये कहाँ पे आ गए। और गाइस, वहाँ पर पीछे जो घर है ना, उसके अंदर इतने कीड़े मकोड़े तो हम लोग बहुत मुश्किल से वॉशरूम से आए। आप ब्लॉग्स में देखते होंगे बाय रोड ट्रैवल करना बहुत आसान है, आप कभी खुद करके देखें आपको पता चलेगा। कवर में बैक पेन हो जाते, इतना मुश्किल है एक जगह पे बैठे रहने। पीछे से नहीं गिर जाओगे? सो गाइस, सुबह के 6 बजे हैं और 6 बजे हम पहुंचे हैं उरमारा बीच, और उरमार पे यहाँ पे स्टॉप लिया था हमने, यहाँ पे नमाज़ पढ़ी है फजर की, कज़ा हो गई थी बट हमने पढ़ ली नमाज़ यहाँ पर। और वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है यहाँ, बहुत सीनिक व्यू है, चारों तरफ हमारे माउंटेंस हैं और माउंटेंस का आप कलर देखें, अल्लाह ताला की कुदरत है, कहीं ब्लैक कहीं वाइट, बहुत ही ज़बरदस्त ये माउंटेंस हैं। तो गाइस, ये देखिए हमारी बस खड़ी हुई है, ये हॉर्न दे रही है और अब हम जाएंगे बस में दोबारा से, अब हमको आगे के लिए ट्रैवल करना है। तो गाइस, ये और मारे की रोड है, ये हमारी बस खड़ी हुई है और यहाँ व्यू देखें यहाँ पे, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, चारों तरफ माउंटेन्स हैं। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच गए हैं रमदान बॉर्डर, 9 बजे हम यहाँ पहुँचे थे, कल हम रात में निकले थे 10 बजे सोहरावगढ़ पे अलासर स्क्वाड से और अभी रात सुबह के 9 बज रहे हैं, हम पहुँच चुके हैं रमदान बॉर्डर और यहाँ से हम जाएंगे अपनी इमिग्रेशन करवाएंगे, कस्टम जाएंगे, देन आपको प्रोसेस दिखाते रहेंगे। यहाँ पर मौसम बहुत ही अच्छा है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, आप देख सकते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखें गाइस, ये आपको फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान का और ईरान का, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये बॉर्डर है, यहाँ से हम जाएंगे वॉक करके इस बॉर्डर पे जाएंगे, इमिग्रेशन करवाएंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से ईरान से इमिग्रेशन अपनी क्लियर करवा ली है
और अब हम जाएंगे चाबहार की तरफ। रमदान बॉर्डर से हमने इमिग्रेशन क्लियर करवा लिए, पीछे आप मैंने देख सकते हैं कि ये ईरान के इमिग्रेशन ऑफिस है। अब हम जाएंगे चाबहार की तरफ और वेदर बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, इतनी कोई शदीद गर्मी नहीं है, अच्छा वेदर है, तो हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आई, ज़्यादा हमको मुश्किल पेश नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ साथ खैरियत से हो गया। अभी हम पहुँच चुके हैं बस टर्मिनल पर चाबहार के, अब यहाँ से हम इंशाल्लाह रवानगी कर रहे हैं ज़ायदान के लिए। आप ये देख सकते हैं सारी बसेस खड़ी हुई हैं मेरे पीछे, सारी बसेस हैं, यहाँ से हम एक बस लेंगे, अभी नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की, नमाज़ पढ़ने के बाद हम जाएंगे ज़ायदान इंशाल्लाह। गाइस ब्लंडर हो गया, हम यहाँ पे आए थे अपनी करेंसी एक्सचेंज कराने, लेकिन इतनी लंबी लाइन थी, यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी है, बस के टिकट मिल गए। रुके हैं, थोड़ा सा फ्रेश हुए, चाय वाय पियेंगे और अभी हम फंस गए थे यहाँ पे बड़े शदीद मट्टी के तूफान में और बारिश भी बड़ी शदीद हो रही थी, अल्लाह का शुक्र है वहाँ से निकल गए, इस एरिया के अंदर कहीं बारिश भी नहीं हो रही थी। आदियान एंजॉय कर रहे हैं, अरे वाह ये क्या है, चिक्स है, पिजन्स भी है, आदि पिजन्स भी है क्या इधर, आइए पिजन्स उड़ गए। हाँ बेटा थक गए सब, बस में बैठे बैठे सब थक चुके हैं। हाँ आदि आप तो नहीं थके, नहीं लेकिन मेरे लेस रह गए। आपके लेस रह गए, अभी लेस ले लेंगे आपके। सो फ्रेंड्स फाइनली आज रात को 3 बजे हम एंटर हो चुके हैं सराय इमाम रज़ा में, ये इसका मेन गेट है और ये देखें आप, ये पूरा सराय बना हुआ है, यहाँ पर इन्होंने पैसेज बनाया हुआ है, बेंचेस लगी हुई यहाँ पर, आगे मस्जिद बनी हुई है ये, और बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि जब इतने बड़े सफ़र के साथ आप आते हैं, थक जाते हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्विंग्स लगी हुई हैं बच्चों के लिए, इन्जॉय करें क्योंकि बहुत लंबा सफ़र होता है तो बच्चे थक जाते हैं, तो यहाँ पे ये स्विंग्स लगी हुई हैं। और ये जो राइट हैंड है जो पैसेज बना हुआ है, इसके बैक साइड पर जेंट्स वॉशरूम, जेंट्स बाथरूम, शावर रूम लेडीज़ का और किचन सेट पे बना हुआ है यहाँ पर ये। सो गाइस यहाँ पे एंटर होने के बाद सबसे पहला काम जो हमने करा, हमने शावर लिया यहाँ पर, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यूसली सफ़र कर रहे थे, ट्रैवल में थे हम लोग, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो यहाँ आकर सबसे पहले हमने यहाँ पे शावर ले लिया है, शावर लेके बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं अब। और अभी रात को 3 बज रहे हैं 4 बज रहे हैं इस वक्त, हम यहाँ पर 3 बजे पहुँच गए थे। ये देखें जी यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं, यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, ये मस्जिद है, यहाँ पे अंदर ये पूरे ऊपर रूम्स बने हुए हैं, हॉल्स बने हुए हैं बड़े बड़े, लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है, ये किचन का एरिया है और ये यहाँ पे वॉशरूम्स बने हुए इधर, ये देखें जी ये किचन है और ये हैं हमारे काफला सलार, बेचारे बहुत बिजी थे ये लोग, अब थोड़ा फ्री हुए तो इनसे बात करने का टाइम मिल रहा है, ये हमारे लिए चाय बना रहे हैं बेचारे पूरे दिन की थकन के बाद। ये हैं रज़ा और ये हैं खुर्रम, कैसे हैं भैया आप लोग, ठीक ठाक, ये देखें गर्मा गर्म चाय बन रही है हमारे लिए, चाय रेडी है बस इंशाल्लाह, और ये बेचारे बहुत थके हुए थे रास्ते में तो इनसे बात नहीं हो सकी थी, यही हमको गाइड कर रहे हैं पूरा कराची से लेके यहाँ तक, अभी हम पहुँचे इंशाल्लाह और कल हम मस्जिद के लिए जाएंगे, ये लोग हमारे साथ हैं इंशाल्लाह।